झुकाया कैसे जाए, और हम लोग एक आम पाकिस्तानी आपकी क्या मदद कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, या सिर्फ हुकूमत ही मदद करेगी? वो ऐसा है कि देखिए अमित साहब, जस्ट फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग मेरी ये कोशिश रही है कि मुझे सिर्फ एक बंदा नजर आया पूरे पाकिस्तान में कि ही इज शहबाज शरीफ। मैंने कहा कि ये बंदा बोलता है, ये मुझे मुखलिस लगता है, तो वाई डोंट आई टच हिम। मैंने मतलब वो लेटर्स लिखे, फेडरल गवर्नमेंट को लिखे, सब तरफ गया, लेकिन जो फाइनेंशियली मुझे था, आई वेंट टू पंजाब गवर्नमेंट ऑफ मियां शहबाज शरीफ, इससे पहले भी गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट की बात छोड़े, आम आवाम आपके लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं सर? गवर्नमेंट की बात छोड़े, मैं ये नहीं कहता कि जैसे हेल्प नहीं, लेकिन ये है कि मैं एक जो है ना समझेंगे पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, मैं जस्ट आई वॉन्ट टू से दैम नॉट एज अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर और एजुकेशनिस्ट, एज अ पाकिस्तानी आई वॉन्ट टू से दैम कि आप जो है ना वो बाहर बैठे हुए हैं, आप क्यों इधर से बाहर गए हैं, इधर के हालात ठीक नहीं थे या इधर कोई भी जो भी मिसाइल थे, आप उधर जो भी देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे वालिद साहब भी जो है उनकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा दुबई में गुजरा, मैंने भी इब्तदाई जो कुछ स्कूलिंग में है वो दुबई में किया, बट नो बॉडी इज हैप्पी इन एनी अदर कंट्री। हाँ ये जो पैसे लूट के गए हुए इनकी मैं बात नहीं करता, हो सकता है ये बाहर खुश हूँ, लेकिन आप लोग जो है बाहर खुश नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। लेकिन ये है कि वी हैव टू चेंज इट, आप जो है बाहर रहने वाले जो हैं वो इसकी बेहतरी के लिए जो है ना, सिर्फ ये नहीं आपका अभी जो प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि आप गरे मुबादला बेचते हैं, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये यू कांट, अभी ये है कि घर के हालात खराब है, अभी आप बाहर दूसरे मुल्कों में बैठे, आप बस ठीक है ये क्या करें, बेची का पाकिस्तान है ही ऐसा, ये नो, यू विल हैव टू वर्क फॉर इट, जस्ट वर्क फॉर इट इन पोलिटिकल फील्ड और इन एनी अदर फील्ड, जस्ट ट्राई टू डू इट। अगर आप बाहर बैठे के तमाशे देखते रहेंगे कि ये हालात सही नहीं है तो हम क्या करें, नो, यू विल हैव टू डू इट। मैं प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आप जी मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपको हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान का मीडिया दे आर साइलेंट बट यू अप्रोच मी, यू कॉन्टेक्टेड मी, इज रियली वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर मी, एंड समझे तो मैं बहुत हैरत भी मुझे हुई, खुशी भी हुई कि आपने इतना जो है वो इतना कुछ किया जस्ट फॉर एजुकेशन फॉर पाकिस्तान। बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह इमरान भाई का। नाजीन ये थे जबर हबीब साहब, मैंने जैसे कि पहले भी आपको अर्ज किया कि बहुत से गुमनान पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी जिसके बारे में शायद कोई भी नहीं जानता था, जितने लोग आप इन वीडियो को देखेंगे शायद वो जबर हबीब साहब के बारे में शायद कुछ जाने। हमारी कोशिश होगी कि जबर हबीब साहब को थोड़ा और उजागर किया जाए, जबर हबीब साहब की इन चीज़ों को और हुकूमत तक पहुँचाया जाए, जो हम कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे। जबर हबीब उन चंद पाकिस्तानियों में से हैं जिसने अपने टैलेंट को पॉजिटिवली यूज़ किया, बाकी मानदा मेरी तरह के लोग जो हैं जिन्होंने कुंडी डाल के बिजली चोरी करने और इम्तहानात में नकल करने पर पूरा जोर दिया, जफर हबीब साहब बहुत कम लोगों में से हैं, बहुत कम पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी है जिन्होंने अपने टैलेंट को पॉजिटिवली यूज़ किया। मेरी दरख्वास्त आप लोगों से सिर्फ ये है कि अगर हुकूमत इनकी मदद करने को तैयार नहीं है, और जो कि वो यकीन नहीं होगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक आला अहदेदार मुझे फरमा रहे थे कि पंजाब हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, और जो बचे कुछ पैसे थे वो गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब को उन्होंने एक गाड़ी खरीद के दी है जो सिर्फ 2.5 करोड़ रुपये की आई है। देखिए जी, अब हमें हम आवाम को चाहिए कि हमें हुकूमत की मजबूरी और उनकी गुरबत को ज़रा हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। वो बेचारे गरीब लोग हैं, हुकूमत कहाँ से, अब एक एक बंदे को एक एक चीज़ को कहाँ हुकूमत हैंडल करती रही। एजुकेशन कोई ऐसा मसला थोड़ी है, एजुकेशन उनकी ना तो लिस्ट में है ना था, और शायद जिस तरह के हालात जा रहे हैं शायद आने वाले 20-30 सालों तक भी ना चलता है। ज़रा भी जैसे कि लोगों की जो है, अगर हम लोग अपनी मदद आपके तहत अगर हम लोग इनकी मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम इनकी फाइनेंशियली हेल्प करें, लेकिन अगर हम इनकी इमोशनली हेल्प भी कर सकते हैं, अगर हम किसी भी तरीके से इनके काम आ सकते हैं, तो मेरा आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर इनकी मदद करें। मैं ईमेल एड्रेस जो हमारा नीचे आ रहा है आप इस पर ईमेल करें, हम आपको इनका नंबर दे सकते हैं, आप जिस तरीके से भी इनकी मदद करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जिस कौम के लीडर करप्ट चोर और इस तरह के डकैत हों उनसे किसी चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती। आइए मिलकर जफर हबीब साहब का साथ दें। और मेरी एक और गुजारिश है जाते जो कि तमाम मीडिया के लोगों से है, और मीडिया के लोगों से मेरा ये कहना है कि खुदा रहा ये नॉन इश्यूज़ जो हैं इनको छोड़कर ज़रा असल इश्यूज़ पर बात करें, और ये मिर्च मसाले वाली खबरों के अलावा जो पाकिस्तान की कुछ अच्छी खबरें हैं वो भी सुनाएं। लोग तरस गए अच्छी खबरें सुनने के लिए, लोगों को बताएं कि हमारे पाकिस्तान में 17 करोड़ अवाम में बहुत से जफर हबीब जैसे मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक जज्बा रखते हैं, पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान को वहाँ देखना चाहते हैं जो अलामा मोहम्मद इकबाल या डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल या कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना देखना चाहते थे। तमाम बड़े चैनल्स के बड़े बड़े मेज़बानों,
سے بھی میری درخواست ہے کہ ظفر حبیب صاحب کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیں, اور خادم اعلیٰ پنجاب شیر ببر شیر پنجاب جناب شہباز شریف صاحب, سر آپ لوگوں کو معطل کرنے کے علاوہ تھوڑا سا کام بھی کریں, ذرا مزہ آئے آپ کو, لوگ پھر یاد رکھیں گے, آپ کوئی مثبت قدم اٹھائیں, ورنہ جس تیزی سے جعلی ڈگریاں سامنے آ رہی ہیں اور لوگ نااہل ہو رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سچ مچ خادم بن جائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی کرسی کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہم سب کو اپنے فرائض سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.